हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम अंकित। सो समर्स अब आ चुके हैं। समर्स में इतनी ज्यादा धूप, गर्मी, पसीना, इचिंग, ये सारी प्रॉब्लम होती है। इन सब प्रॉब्लम से एक ही चीज हेल्प करती है, विच इज अ गुड रिलैक्सिंग शावर। अब शावर में भी जो हम लोग सोप यूज करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि उसी से ही हमारी पूरी एकदम थकान दूर हो जाती है, हमें एकदम अच्छी सी खुशबू आती है, सारी गंदगी रिमूव हो जाती है शरीर की। तो कौन सा सोप हमें यूज करना चाहिए? इतने सारे वैरायटी के सोप्स अवेलेबल हैं, बट अगर हमने गलत टाइप का सोप यूज कर लिया अपनी बॉडी पे, तो हमारी बॉडी में इचिंग, ड्राइनेस, बैक एक्ने, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं टॉप 10 बेस्ट सोप्स फॉर मेन इन इंडिया दिस समर सीजन, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। सारे के सारे सोप्स केमिकल फ्री हैं और सबके सब अंडर बजट हैं। सो बहुत ही अल्टीमेट वीडियो होने वाला है सोप्स के ऊपर। यस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग को जानते हैं कि हमारी स्किन टाइप क्या है, तब हम चेक करेंगे कि हमें कौन सा सोप यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी आप सोप यूज करते हो ना अभी करंटली, उससे आप नहा लो। उसके बाद आपको आधे घंटे तक वेट करना है या एक से डेढ़ घंटे तक वेट करो। अगर आप अपने हाथों में ऐसे स्क्रैच करते हो और जो फ्लेकीनेस या रूखापन दिखता है, सो दैट मींस कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है। अगर आपकी स्किन पे थोड़ी सी शाइन है, सो दैट मींस कि आपकी स्किन थोड़ी सी ऑयली है। और अगर कुछ भी नहीं होता है और एकदम नॉर्मल दिख रही है आपकी स्किन, कुछ भी ड्राइनेस भी नहीं है ना ही थोड़ी सी शाइन है, सो दैट मींस कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप है। अब हमने हमारी स्किन टाइप जान ली, अब हम जानते हैं कि हमें कौन सा सोप यूज करना चाहिए। सबसे पहला है ये मेडिमिक्स। ये आई थिंक काफी सालों से पुराना है और मेरे तो बचपन में भी मैंने इसको कई बार यूज किया हुआ है। ये काफी ज्यादा अच्छा है, स्पेशली फॉर अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो, क्योंकि इसके अंदर 18 हर्ब्स का नेचुरल ऑयल है। तो यानी कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है तो आपकी स्किन को थोड़ा सा हाइड्रेट कर देता है और जो एक्स्ट्रा ड्राइनेस है ना उसको कम करने में काफी हेल्प करता है। साथ साथ ये ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है और आपकी स्किन बहुत ज्यादा अगर डैमेज हो जाती है सन से तो उसको भी प्रोटेक्ट करता है। ये 155 रुपीज का है, इसमें आपको 3 पैक मिलते हैं, विच इज सुपर अफोर्डेबल, यानी कि 50 रुपए का आपको एक सोप पड़ता है। सो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस वन। सेकेंड सोप है वो है बायोटिक का। बायोटिक एक्चुअली ऐसा ब्रांड है जो कि काफी ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के प्रोडक्ट बनाते हैं और मैंने इसके फेस वॉशेज यूज करे हुए हैं, विच आई रियली लव, बट सोप कभी भी मैंने यूज नहीं किया। बट इनका ये जो सोप है ये है बेजिल एंड पार्सली रिवाइटलाइजिंग बेदिंग बार। सबसे जो प्लस पॉइंट है सोप का ये कि आपकी स्किन का जो पीएच बैलेंस है, जो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, ऑयली हो जाती है, उसको मेंटेन करके रखता है, जो कि आई थिंक कोई भी सोप इतना ज्यादा नहीं ध्यान देता है, विच इज अ प्लस पॉइंट। इसके साथ साथ ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है एंड ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी सी फ्रेशनेस भी देता है। तो ये जो सोप है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 105 रुपीज का है, आपको एक बार मिलता है, बट वर्थ द ट्राई। अगर आप एक अच्छे बेदिंग सोप में इन्वेस्ट करना चाहते हो देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन। नेक्स्ट इज खादी नेचुरल का चंदन हल्दी सोप। वेल, खादी कैसा ब्रांड है, क्योंकि हमारा इंडिया का ब्रांड है, इसके कुछ प्रोडक्ट्स तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जैसे कि फेस वॉश और बाकी चीजें मैंने इसकी ट्राई करी हुई हैं, हमेशा मेरे पीएच टेस्ट में पास होती हैं। तो सोप भी ये काफी ज्यादा नेचुरल है, आई कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन देम। इसके साथ साथ इसकी हैंडमेड है और एसेंशियल ऑयल्स इसके अंदर डाले हुए हैं, तो दैट मींस कि अगर आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, स्किन बहुत ज्यादा शाइन नहीं होती है उसमें, तो ये आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, इन प्रॉब्लम्स को काफी ज्यादा हेल्प करता है। प्लस पॉइंट इज कि ये काफी ज्यादा सस्ता है, 80 रुपीज का आपको ये बार पड़ता है, बट आई थिंक ये डिस्काउंट वगैरह लगा के ना आपको ये 50 से 60 रुपए में इजिली मिल जाएगा। सो खादी यू शुड डेफिनेटली ट्राई। नेक्स्ट इज हिमालया का नीम एंड टर्मरिक सोप। वेल, अगर आपको बहुत ज्यादा बॉडी एक्ने की प्रॉब्लम है या फिर बहुत ज्यादा इचिंग हो जाती है ना पीठ वगैरह में, अंडर आर्म्स में, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस सोप, क्योंकि जैसे इनका नीम प्योरीफाइंग फेस वॉश होता है ना वो काफी ज्यादा अच्छा होता है हर स्किन टाइप के लिए, वैसे इनका ये जो सोप है ये भी हर स्किन टाइप पे बेस्ट काम करता है। इसके साथ साथ ये आपकी स्किन पे जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है, फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है ना, उसको भी ठीक करता है, एंड हल्दी है तो आपकी स्किन को ब्राइट भी करता है। बेस्ट पार्ट इज कि ये खादी से भी ज्यादा सस्ता है, 58 रुपीज के आपको एक सोप पड़ता है, विच इज सुपर अफोर्डेबल, सो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस वन। नेक्स्ट इज बोरो प्लस का एंटीसेप्टिक मॉइस्चराइजिंग सोप। वेल, एंटीसेप्टिक सोप बहुत कम ब्रांड्स बनाते हैं, यूजुअली एंटीसेप्टिक जो सोप होते हैं ना वो हम लोग हाथ वॉश करने के लिए यूज करते हैं, बट एक्चुअली में आप इससे नहा भी सकते हो, मैं कई बार इससे नहाता हूं, इसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी है। ये इंडिया का पहला एंटीसेप्टिक सोप है जो अगर आपको एक्ने, पिंपल की प्रॉब्लम होती है, बॉडी एक्ने की प्रॉब्लम होती है, तो उसको क्योर करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इन्होंने अभी बड़ा बड़ा लिखा भी हुआ है, साथ ही 99.9% तक वायरस एंड जर्म्स को किल कर देता है, विच इज अगेन अ बेस्ट थिंग। 63 रुपीज के आपको एक सोप पड़ता है, विच इज अगेन अ केमिकल फ्री, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन। अब हम एंटीसेप्टिक सोप्स की बात कर रहे हैं तो डेटॉल को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, तो डेटॉल का ये ओरिजिनल सोप जो इन्होंने बनाया हुआ है ये काफी ज्यादा अच्छा है। मैं इस सोप से ना हाथ भी वॉश करता हूँ, साथ साथ अपनी बॉडी पे भी इसको यूज करता हूँ कभी कभार,
एंड ट्रस्ट मी इट हैज वर्क्ड वंडर फॉर मी। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ड्राई स्किन पे इसको अप्लाई कर लोगे तो आपकी स्किन एक्सेसिव ड्राई हो सकती है। तो यानी कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो दिस सोप विल वर्क वंडर फॉर यू। इसके साथ साथ ये सोप आपको पड़ता है 50 रुपीज में, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही चीप है एंड सालों से चलता चला आ रहा है, सो यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन दिस ब्रांड। नेक्स्ट वन इज फियामा का जेल प्लस क्रीम मॉइस्चराइजिंग बार। ये वाला जो सोप है ना, इसकी खुशबू से तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने इसको यूज करना शुरू किया और जब मैंने इंग्रेडिएंट्स चेक करे और रिसर्च करी देन आई फाउंड आउट कि ये सोप केमिकल फ्री है, साथ साथ काफी अच्छी क्वालिटी का इन्होंने बनाया हुआ है। अगर आप एक लग्जरी सोप में जाना चाहते हो, वैसे तो आप बॉडी वॉश यूज कर सकते हो अगर आप जाना चाहते हो लग्जरी कैटेगरी में, बट इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट दैट मच ऑन बॉडी वॉश तो आप सोप वगैरह में ट्राई कर सकते हो। इसका ये सोप उस कैटेगरी में एकदम फिट बैठता है। इसके साथ इसके अंदर आलमंड क्रीम है और बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है और ऑयली का कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है तो उसमें भी ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसका जो सोप का स्ट्रक्चर है ना, वही बहुत ज्यादा यूनिक है, नॉर्मल सोप्स की तरह बोरिंग नहीं है। तो अगर आप इसको रखते भी अपने वॉशरूम में ना, तो ये काफी एस्थेटिकली अच्छा लगता है, प्रीमियम लुकिंग लगता है। इसके साथ साथ इसका प्राइस जो है ना, वो प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सस्ता है, 91 रुपीज का आपको एक बेदिंग बार मिलता है। नेक्स्ट वन इज पतंजलि का हल्दी चंदन कांति बॉडी क्लेंजर। वेल पतंजलि के जो फेस वॉशेज या फिर कुछ और चीजें हमने ट्राई करी ना, वो बिल्कुल बुरी तरह फेल हुई है। तो मुझे बहुत स्पेक्टिकल था मैं ये सोप ट्राई करने के लिए, बट जो सोप में इनके जो इंग्रेडिएंट्स है ना, उसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं है, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन। बट ये बहुत ही छोटे साइज में आता है और साथ साथ इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा सस्ता है, 23 रुपए का आपको ये सोप पड़ता है, विच इज सुपर अफोर्डेबल। इसके साथ साथ हल्दी इसके अंदर बहुत ज्यादा यूज करी है, सो दैट मीन्स कि अगर आपको स्किन में टैनिंग हो जाती है, अगर आपको ऐसा ब्राइटनिंग सोप देख रहे हो जो आपकी स्किन को ब्राइट भी करे, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन। लास्ट वन इज जॉनसन्स का बेबी सोप। वेल अब कई सारे लोगों की स्किन होती है ना, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, कोई भी और चीज वो अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा एक्सेसिव सेंसिटिव है तो आपको जॉनसन्स का बेबी सोप जरूर ट्राई करना चाहिए। ये बेबीज के लिए स्पेशली बनाया हुआ होता है, तो उसमें कुछ भी केमिकल नहीं है, इट्स ऑल प्योर नेचुरल, हर चीज बहुत ज्यादा ध्यान से और अच्छे से इंक्लूड करी गई होती है, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन। और उसकी खुशबू जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा सूदिंग है, जो कि बच्चों को तो पसंद आती है और बड़ों को भी कभी कभार काफी ज्यादा कामिंग एंड रिफ्रेशिंग लगती है। और ये 68 रुपीज का आपको एक सोप पड़ता है, विच इज अगेन नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो गाइस, ये थे कुछ ऐसे बेस्ट सोप्स इन इंडिया फॉर मैन दिस समर, जो कि हमें डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो बॉडी वॉशेस होते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे लोग उसको अवॉइड करते हैं और सोप्स की तरफ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे बेस्ट सोप्स को हमें इंक्लूड करना चाहिए, जो कि हमें ट्राई करते रहना चाहिए और जो केमिकल फ्री हैं। सो मैंने जो भी कैटेगरीज बताई हैं, आप बताइए मुझे कि कौन सा सोप आप यूज करते हैं स्पेसिफिकली और कौन सा ट्राई करना चाहते हो इन द कमेंट सेक्शन। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।